गाइस मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों कल ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब पर्सनल काम था, इसलिए मैं वहां पे गया, दिन भर वहां पे था और ब्लॉग नहीं कर पाया, इसलिए दिल से सॉरी। फिर आ गया आज ब्लॉग कंटिन्यू करने के लिए। सो दोस्तों आज मैं रेडी होके रास्ते में आ गया हूँ। वो रास्ता तो इधर मैं गाड़ी को धो रहा था, थोड़ा पानी है गाड़ी, थोड़ा मिट्टी बिट्टी वगैरह लग गया था इसलिए चकाचक कर दिया। सो बात यह है कि दोस्तों आज जो है बहुत दूर जाना पड़ेगा, 70 किलोमीटर जाना पड़ेगा। एक ही काम है, वो काम करते करते अगर काम आ जाए तो अच्छा बात है। धूप गिर रही है दोस्तों, अच्छा बात है, नहीं तो डिसीजन करेंगे ऑफिस वाले क्या करेंगे क्या नहीं, हमको तो नहीं पता। सो अभी चलते हैं, धामनगर बोल के एक जगह है वहाँ पर चलते हैं और पहला काम कर लेते हैं क्योंकि टाइम अभी बज रहे हैं 9 और मैं जल्दी थोड़ा काम करने के लिए जाता हूँ और 5-6 बजे के पहले आ जाता हूँ क्योंकि मैं रात में काम नहीं कर पाता, अच्छा नहीं लगता मेरे को। सो अभी बिना देरी के चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरा चैनल पे नया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं, मतलब लगभग 12-13 किलोमीटर आ चुके हैं और हमारा जो काम है वो धामनगर में है। सो अभी फटाफट से धामनगर चलते हैं और धामनगर यहाँ से लगभग 47 से 55 के आसपास होगी। बिना देरी के चलते हैं धामनगर। रास्ते में जाते जाते दोस्तों भद्रक जो है, भद्रक वंश का ऊपर मैं खड़ा हूँ ब्रिज का ऊपर, इसलिए सोचा कि यहाँ पे थोड़ा खड़ा होके शूट कर लूँ। सो यहाँ पे वेट नहीं करेंगे ज़्यादा, सीधा आप चलते हैं काम पे। दोस्तों हम भद्रक क्रॉस करके जा रहे थे, देखिए ये रास्ता जो है ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं ट्रैफिक रहता है हर टाइम, और हमारा जो बालेश्वर है उसमें इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, पर जो भद्रक है ना क्या होता है कि 2-3 साल हो गया मैं इधर ही काम कर रहा हूँ, मतलब रास्ता का काम बहुत लेट से होता है, बहुत लेट, इसलिए बहुत ट्रैफिक जमा होता है। सामने भी मेरा सामने एम्बुलेंस है, मतलब 2-3 गाड़ी के आगे, उसको भी मतलब रास्ता नहीं मिल रही है जाने के लिए, क्या करें। तो अभी फटाफट से हम चलते हैं, ये सब बात को ध्यान नहीं देंगे, सीधा हम चलेंगे काम पर। और धामनगर जो है यहाँ से लगभग और भी 27 किलोमीटर दूरी पे है। सो चलते हैं अभी। अभी जो है दोस्तों कस्टमर ने मेरे को हुंडा शोरूम का लोकेशन दिया था, तो यही रहा हुंडा शोरूम। पहले चलते हैं हुंडा शोरूम के पास, एक कनक नाम का मेडिसिन स्टोर उन्होंने बोला था, यहाँ पे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है कनक नाम का मेडिसिन स्टोर। सो बिना देरी के पहले कैमरा को ऑफ करते हैं, ढूंढते हैं और काम करने के बाद बातचीत करेंगे। सो वेट कीजिए दोस्तों। तो पहला काम जो था जो मैंने किया, पर इतना गुस्सा आ रहा था वो कस्टमर के ऊपर, मतलब उसका घर में पावर नहीं था, पावर सप्लाई नहीं था, 2 घंटा वेट किया उसके बाद पावर आया, फिर बोला कि हम स्टैंड देंगे आप लगाओ, आपका स्टैंड नहीं लगाएंगे, मैं बोला ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट गया, मार्केट जाने का आधा घंटा वेट मैंने किया, आधा घंटा के बाद वो आया, फिर भी मैं वेट किया। उसके बाद आके देखा कि वो स्टैंड एलईडी में फिट नहीं हो रहा है, उसके बाद बोला फिर आप रुकिए आधा घंटा, मैं फिर एक स्टैंड लेके आऊंगा। उसके बाद मैं बोला देखिए सर आपके घर में मैं 3 घंटा वेट कर रहा हूँ, तो बाकी का कस्टमर को मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही क्लोज करके कंप्लेंट को आ रहा था, मैं बोला कि सर आपके पास OTP है, वो OTP हमको प्रोवाइड कीजिए। बोले हम सेटिस्फाइड नहीं है, हम OTP नहीं दे सकते। इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते, एक कस्टमर को 3 घंटा अगर दे
मतलब हमारा तो 5-6 काम दिन में करना पड़ता है ना, तो 6 कस्टमर को कितना टाइम देना पड़ेगा ये आप लोग बताइए दोस्तों। इसके बाद वो कॉल को कैंसिल नहीं किया, हमारा जो टेक सपोर्ट का मतलब टेक सपोर्ट रहता है, मतलब कोई भी कस्टमर, कोई सभी कस्टमर तो अच्छे नहीं होंगे ना, कोई कस्टमर अगर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं कोड, तो वो कोड लाने के लिए हमारे मतलब क्या बोलते हैं कस्टमर क्या रहे, उनको हमने कॉल किया, अलग सा डिपार्टमेंट वो है, उनको कॉल किया, उनसे मतलब कोड लेके कॉल को क्लोज करके अभी जा रहे हैं। तो अभी जो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं भद्रक का कल्याणी अपार्टमेंट, मतलब जानी मानी पहचान हुआ मतलब एक भद्रक पे अपार्टमेंट है, बड़ा वाला, पुराना पर बड़ा है, पुराना है बहुत पहले से वो है अपार्टमेंट, तो वहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक सर्विस कॉल को अटेंड करना है। तो बिना देरी किए चलते हैं, नहीं तो ब्लॉग बड़ा होगा, क्योंकि आज मैं बहुत जगह काम करने के लिए जाऊँगा, आज का ब्लॉग लगभग 15 मिनट हो जाएगा। तो चलते हैं अभी सीधा कल्याणी अपार्टमेंट इन भद्रक। हम भद्रक पहुंच गए हैं, मतलब ये बंशक है, तो अभी क्या करें दोस्तों, काम को नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा खाना खा लेंगे क्योंकि टाइम अभी लगभग 2 बज रहे हैं और भूख लगा है मेरे को, तो अभी बिना देरी के खाने के लिए चलते हैं, क्योंकि नहीं तो काम करते करते लेट हो जाएगी, फिर ज़्यादा भूख लगेगा, तो अभी चलते हैं खाना खाने के लिए, खाना खाने के बाद चलेंगे काम पर। अभी दोस्तों हम होटल का सामने आ गए, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद चलेंगे काम पर। सो लेट्स गो दोस्तों, अभी खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं कल्याणी अपार्टमेंट, और कल्याणी अपार्टमेंट यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है। सो लेफ्ट साइड में कल्याणी अपार्टमेंट आगे दिखाई दे रहा है, सो चलते हैं अभी कल्याणी अपार्टमेंट, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। और कल्याणी अपार्टमेंट ये रहा लेफ्ट साइड में, सो लेट्स गो, आ जाइए, क्या होता है देखेंगे। अभी दोस्तों कल्याणी अपार्टमेंट गेट के अंदर घुस के और पीछे की तरफ हम जाना है साइन करने के लिए, मतलब साइन हमारा डाटा जितना भी है यहाँ पे प्रोवाइड करके अपार्टमेंट के अंदर घुसना है। सो यहाँ पे पहले हम सब कुछ डाटा एंट्री कर देंगे, उसके बाद चलेंगे उसका ऊपर। सो पहले डाटा एंट्री कर लेते हैं। दोस्तों अभी जो है हमारा डाटा एंट्री हो गया, गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग करके सीधा, मतलब हमको जो चीज़ चाहिए वही चीज़ लेके ऊपर चलते हैं, क्योंकि मेरा जो बैग है वो लगभग 40 से 50 kg का अंदर है, 40 से 50 kg का अंदर है, और इतना चीज़ लेके 4th floor के ऊपर जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमको जो जो चीज़ चाहिए वो चीज़ लेके सीधा चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, LED में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो वो सब आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो लेट्स गो दोस्तों, हम 401 कमरा का आगे खड़ा हुए हैं, ये 401 है। सो इसका अंदर चलते हैं और काम करने के बाद बात करेंगे। सो लेट्स गो। दोस्तों यहाँ पे काम खत्म हो गया इसको, मतलब मकान पे। सो अभी चलते हैं नीचे। सो लेट्स गो। अभी जो है दोस्तों हम लिफ्ट से जाएंगे, और लिफ्ट नीचे है, हम यहाँ पे दबा दिए और लिफ्ट ऊपर आ रही है, और फटाफट से नीचे चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि लिफ्ट में कोई बात नहीं।
अभी दोस्तों हम लिफ्ट से बाहर आ गए और दूसरा हमको काम प्रोवाइड किया गया है ऑफिस की तरफ से, यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर दूर पे। सो चलते हैं अभी वहाँ पे और वहाँ का काम भी निपटा लेते हैं क्योंकि अभी शाम होने वाला है। दोस्तों कल्याणी अपार्टमेंट से काम खत्म करके इधर ही जा रहा था काम को, और देखिए रास्ता का हालत इतना खराब है, मतलब ये NH है पर इतना खराब है। देखिए ऐसा रास्ता में तो एक्सीडेंट होता है, होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब होना ही होना है। राइट साइड पे रास्ता बना रहे पर ये जो है 3 साल हो गया बना रहे, उनका क्या प्रॉब्लम क्या पता नहीं। और देखिए धूल मिट्टी इतना उड़ रही है, मतलब बाइक चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। सो ये सब को छोड़िए, सब ये सब सह रहे हैं तो हमको भी सहना पड़ेगा, हमारा बात से थोड़ी ना होगा। सो अभी फटाफट चलते हैं ओडा। ओडा नाम का कस्टमर के घर गया, कस्टमर के घर जाने के बाद वहाँ पे काम खत्म कर दिया। और वो कस्टमर भी बहुत अच्छा कस्टमर थे, पहले से सब कुछ सेटअप करके रखे हुए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो अभी जो है दोस्तों पूरा शाम होने वाला है, लगभग 5 बज रहे हैं। सो अभी थोड़ा खड़ा होके कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो क्या बोलो, देखिए पीछे की तरफ जो है बादल पूरा उठा है, बादल बहुत जोर से घुसा है, कभी भी हो सकता है। सो मेरा गाड़ी कैमरा वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, गांव में काम था ख़त्म कर लिया, सभी के सभी काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया, पर पहला काम जो था वो थोड़ा खराब हो गया, मतलब कस्टमर थोड़ा टेढ़ा था। सो कोई ना, अभी यहाँ से घर लगभग 18 किलोमीटर दूरी पे है। सो बिना देरी किए घर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल पे वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्यार नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं जा सकते। सो अभी क्या करते, सीधा घर चलते हैं, और तब तक के लिए कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।